हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राकेश पन्नू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दिल्ली देहरादून के लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, आज का जो अपडेट रहने वाला है ये रहने वाला है सदरी चौक का, और आज आपको मैं पूरा अपडेट दूंगा सदरी चौक पे कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है। ये दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, चैनल पर जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे भाई, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, एक बार और कहना चाहूंगा कि जो मैंने इससे पहले जो दिल्ली देहरादून हाईवे का वीडियो डाला था उससे आप लोगों का काफी प्यार देखने को मिला, काफी सपोर्ट मिला, और ऐसा ही प्यार और सपोर्ट अपने भाई को बनाए रखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ का खजूरी चौक का पूरा अपडेट देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है और पूरा आपको नॉलेज मिलेगा कि खजूरी चौक पे कितना काम हो चुका है, और पूरी जानकारी आपको आज मैं इस अपडेट में देने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये रैंप है, इसके बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा, ये रैंप कहाँ से आ रहा है और इस रैंप से आप उतर सकते हैं या एंट्री कर सकते हैं, तो पूरा बताऊंगा। इस रैंप के बारे में पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ। और ये सामने देख सकते हैं, ये मेन हाईवे है दोस्तों, तो ये दोनों लेन को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, तो ये भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ और पूरा अपडेट दिखाऊँगा दोस्तों। ये पूरा बहुत बड़ा खजूरी चौक है, तो इसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। और ये है खजूरी का मेन चौक और ये रैंप है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर इस हाईवे की जो दिल्ली देहरादून हाईवे है, इसकी हाइट जो है काफ़ी ऊंची है, क्योंकि ये दोनों लाइनों को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, मेट्रो लाइन और सिग्नेचर ब्रिज को। दोस्तों, अगर यहाँ पर इसकी हाइट की बात करें तो यहाँ पर 70 से 80 फुट इसकी हाइट है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको वीडियो में दिखाऊँगा आगे, ये मेट्रो लाइन और सिग्नेचर ब्रिज के जो फ्लाईओवर है इसको दोनों को क्रॉस करता हुआ जा रहा है दोस्तों। तो दोनों मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। दोस्तों, ये है मेट्रो लाइन और ये है सिग्नेचर ब्रिज का फ्लाईओवर, तो दोनों को क्रॉस करके ये दिल्ली का मेन दिल्ली देहरादून हाईवे जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ खजूरी चौक पे, आप लोग देख सकते हैं, ये खजूरी का मेन चौक है और यहीं से जो जा रहा है आपका दिल्ली देहरादून हाईवे, मेन हाईवे जा रहा है। और दोस्तों, ये बन रहा है दिल्ली देहरादून रैंप है। तो दोस्तों, जो शास्त्री पार्क से जो भी आएगा, अगर उसको सिग्नेचर ब्रिज के लिए जाना है तो इस रैंप के जरिए वो इस हाईवे से नीचे उतर के आगे जो है इधर सिग्नेचर ब्रिज के लिए चला जाएगा दोस्तों। दोस्तों, ये रैंप का काम भी अभी चल रहा है, साउंड पैनल लग चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोल लगने का काम अभी बाकी है, और नीचे आप लोग देख सकते हैं ये खजूरी चौक है, तो यहाँ पर भी अभी काम होना बाकी है। और दोस्तों, ये सामने बन रहा है मेट्रो स्टेशन खजूरी का, इसकी भी वीडियो बना के आपको दूंगा। और इधर दोस्तों, ये जा रहा है देहरादून के लिए, लोनी सहारनपुर देहरादून के लिए। इधर से सब दोस्तों, आप ये है हाईवे, मेन हाईवे है दोस्तों, इधर की साइड जो है ये देहरादून के लिए जा रहा है। और ये दोस्तों, मैं इस टाइम जो खड़ा हूँ, ये है सिग्नेचर ब्रिज, आगे आपको यहाँ पर जो है सिग्नेचर ब्रिज मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है सिग्नेचर ब्रिज, तो यहाँ से दोस्तों सिग्नेचर ब्रिज का ये हाईवे है, और ये जो है मेट्रो का, मेट्रो की लाइन जा रही है, तो क्रॉस करता हुआ दोस्तों ये जा रहा है दिल्ली देहरादून हाईवे, आप लोग देख सकते हैं ये जा रहा है दिल्ली देहरादून। तो यहाँ पर दोस्तों, इसकी हाइट जो है काफ़ी ऊँची है, कम 70 से 80 फुट इसकी हाइट है इस हाईवे की, तो ये जा रहा है दिल्ली देहरादून हाईवे देखते। चलिए दोस्तों, उसके बाद नीचे आपको चौक का भी जाके दिखाता हूँ, और ये रैंप जो जा रहा है सामने, ये रैंप का भी दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। तो अभी मैं खड़ा हूँ दोस्तों सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर, जो यहाँ से सिग्नेचर ब्रिज से आ रहा है, और इस साइड में दोस्तों ये बड़ी यहाँ पे जा रहा है। ये दोस्तों, इस टाइम मैं खड़ा हूँ सिग्नेचर ब्रिज के फ्लाईओवर पे, ये फ्लाईओवर दोस्तों यहाँ से जो है भजनपुरा के लिए जा रहा है। तो ये दोस्तों है मेट्रो लाइन, मेट्रो लाइन है, और इस मेट्रो लाइन को क्रॉस करता हुआ और सिग्नेचर ब्रिज के इस हाईवे को क्रॉस करता हुआ दोस्तों जा रहा है दिल्ली देहरादून हाईवे, फिलहाल ये देख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों, ये सीधा जो इधर को देहरादून लोनी शामली बागपत बड़ोद के लिए जा रहा है, और ये खजूरी का मेन चौक है दोस्तों, तो यहीं से होते हुए दोस्तों ये नाम आप लग जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी काफ़ी काम बाकी है खजूरी चौक पे, आप लोग देख सकते हैं अभी फ्लोरिंग का काम बाकी है, रोड भी बनने हैं, सर्विस लाइन का काम भी हो रहा है, और इलेक्ट्रिक पोल भी दोस्तों अभी लगने बाकी हैं यहाँ पे कहीं कहीं जगह। दोस्तों, इस टाइम मैं खड़ा हूँ खजूरी चौक पे, ये खजूरी चौक पे जो है मेट्रो स्टेशन बन रहा है, और इसी के पास दोस्तों ये जा रहा है सिग्नेचर ब्रिज का हाईवे, सिग्नेचर ब्रिज जा रहा है दोस्तों, ये यहाँ से जो है दोस्तों सिग्नेचर ब्रिज की तरफ से आ रहा है, और इस साइड में ये जो भजनपुरा को जा रहा है।
दोस्तों इसी हाईवे को क्रॉस करता हुआ जा रहा है दिल्ली देहरादून हाईवे, आप लोग देख सकते हैं ये मंडोला बिहार है इस साइड में दोस्तों, ये दोस्तों मंडोला बिहार का बोर्ड है, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों सिग्नेचर जिसको हाईवे को क्रॉस करता हुआ और मेट्रो लाइन को क्रॉस करता हुआ दोस्तों ये जा रहा है दिल्ली देहरादून हाईवे, और ये मेन खजूरी चौक है दोस्तों। दोस्तों खजूरी चौक पर भी काफ़ी दोस्तों खजूरी चौक पर जो है काफ़ी काम होना बाकी है, तो उस साइड में दोस्तों रैम बन रहा है तो शास्त्री पार्क से उस साइड से जो भी आएगा वो उस रैम के जरिए नीचे उतर के आगे सिग्नेचर ब्रिज के लिए जाना चाहे तो जा सकता है। यहाँ से दोस्तों सिग्नेचर ब्रिज के लिए रास्ता काट दिया है, आप लोग देख सकते हैं पूरा सीधा है खजूरी चौक है। उस टाइम मैं खजूरी चौक पर खड़ा हूँ, ये मेट्रो लाइन भी आ रही है। तो दोस्तों ये रैम्प बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये दोस्तों रैम्प का काम हो रहा है। यहाँ पर जो है रोड का काम भी होना बाकी है और लेन मार्किंग भी यहाँ पर अभी होनी बाकी है, और आप लोग देख सकते हैं ये साउंड पैनल जो है यहाँ पे लग चुके हैं। तो दोस्तों साउंड पैनल का काम पूरा हो गया है और लेन मार्किंग होनी बाकी है। बाकी ये देख सकते हैं सामने से आप आ रहा है दिल्ली देहरादून हाईवे दोस्तों, इस साइड में जो है शास्त्री पार्क से आ रहा है उधर खजूरी को जा रहा है ये। तो दोस्तों यहाँ से जो भी आपका शास्त्री पार्क से आएगा सिग्नेचर भी उसको अगर जाना है तो वो यहाँ से दिल्ली देहरादून से नीचे इस रैम के जरिए नीचे आ सकता है और आगे जो है इस साइड में दोस्तों ये सिग्नेचर ब्रिज के लिए जा सकता है। सामने देख सकते हैं आप लोग सिग्नेचर ब्रिज है तो उधर जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी रैम का काम भी होना बाकी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ दिल्ली देहरादून का, ये खजूरी का रैम्प है दोस्तों। तो यहाँ से आप दिल्ली देहरादून हाईवे से नीचे उतर सकते हैं और आगे जो कहीं भी आपको जाना है जीटी करनाल रोड सिग्नेचर ब्रिज तो यहाँ से आप लोग जा सकते हैं। तो ये है सामने दिल्ली देहरादून हाईवे दोस्तों, तो ये मेन खजूरी चौक पे दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप रैंप वहाँ से आ रहा है दोस्तों, और वो आ रहा है आपका दिल्ली देहरादून हाईवे, और वहीं से दोस्तों ये रैंप भी आ रहा है, और ये रैंप ऐसे घूम के दोस्तों ये यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से आप सिग्नेचर ब्रिज के लिए निकल सकते हैं दोस्तों। और आपको आगे जाना है वहाँ से शास्त्री पार्क से अगर आप आएंगे और आपको आगे जाना है तो यहाँ से आप जो है आगे देहरादून के लिए निकल सकते हैं सीधा, जहाँ की तरफ मैं कैमरा कर रहा हूँ हाथ कर रहा हूँ इधर की साइड, और आप यहाँ पर लोनी सहारनपुर बागपत बड़ोद देहरादून के लिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो ये दोस्तों रैम्प तो पूरा कितना लंबा रैम्प बनाया देखो, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग है रैम्प की और यहाँ पर आके ये दोस्तों कट रहा है। तो ये है मेन खजूरी चौक, तो आपको मैं हर साइड से दिखा रहा हूँ खजूरी चौक। पहले मैंने आपको इस साइड से दिखाया था, अब इस साइड से दिखा रहा हूँ, तो हर जगह से आपको खजूरी चौक का एंगल का नज़ारा दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये हाईवे जा रहा है, तो फ्रेंड्स मेरा अपडेट यहीं तक खत्म, मैं वीडियो को एंड करता हूं, और मैंने आज आपको पूरा खजूरी का अपडेट दिया है, खजूरी पे कितना काम बाकी है कितना हो गया है तो पूरा आपको मैंने आज अपडेट में दिखाया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, और चैनल पे जो भी भाई नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिल्ली के बारे में और दिल्ली से जुड़े हुए वीडियो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी भाइयों को जय हिंद वंदे मातरम।